कानपुर आउटर के रमाईपुर स्थित साईं धाम में नाबालिग युवती के साथ तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता ने बताया कि दुष्कर्म का वीडियो बना महीनों से आरोपी उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। साईं धाम के संचालक और कर्मचारी अब इस गंभीर मामले में पुलिसिया जांच के घेरे में है। क्षेत्रीय जनों के मुताबिक पुलिस की मिली भगत से यहां पर अवैध तरीके से रूम चलवाए जाते हैं। सामूहिक दुष्कर्म का विरोध करने पर युवती के साथ आरोपी युवकों ने मारपीट भी की थी। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी युवती का महीनों से शारीरिक शोषण कर रहे थे। तंग आकर युवती ने मां से पूरी बात बताई, जिसके बाद प्रार्थनी की मां ने कानपुर आउटर के बिदनू थाने में कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। कितने लोगों ने किया? तीन लोगों ने। कहाँ ले गए थे? साईं धाम। उसके बाद क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने मेरा बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया और उसका मुझे ब्लैकमेल किया। उसके इसके बारे में उन्होंने घर में किसी को बताया? नहीं। क्यों नहीं बताया? धमकी दी गई। क्या धमकी दी थी? अगर हम किसी को बताएंगे तो वीडियो वायरल कर देंगे। उस वीडियो के चलते तुमको बुलाया और एक बार बुलाया? तुमने विरोध किया तो क्या बोले? वीडियो वायरल कर देंगे। आप पुलिस कार्रवाई करोगी? हाँ। माता जी, बिटिया की क्या उम्र है आपकी? 15 साल। किस क्लास में पढ़ रही है? 10th में गई है। इस घटना की जानकारी कब मिली थी आपको? हमको 2 दिन पहले मिली है। 2 दिन पहले जानकारी मिली। आप पुलिस कार्रवाई करेंगे आप लोग? जी।